राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी टीना डाबी मां बन गई हैं। जयपुर के एक अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने बीते साल 2022 में 2013 बैच के आईएएस प्रदीप गवांडे से शादी की थी। जैसलमेर की जिलाधिकारी टीना 5 जुलाई 2023 से ही मैटरनिटी लीव पर चली गई थी। अब उनके शुक्रवार को मां बनने का कंफर्मेशन मिला है। अपनी प्रेगनेंसी की वजह से टीना डाबी ने राजस्थान सरकार से उनको जयपुर में नॉन फील्ड पोस्टिंग देने का रिक्वेस्ट किया था। अप्रैल 2022 में दोनों अधिकारी ने शादी की थी। जयपुर के 22 गोदाम में मौजूद 5 सितारा होटल में उनकी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया था, जिसमें कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई थी। 41 साल के प्रदीप गवांडे महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई राजश्री साहू कॉलेज से पूरी की है और बाद में वो आईएएस अधिकारी बने। टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी 2021 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग भी राजस्थान में हुई है। आपको बता दें, टीना डाबी की सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी फॉलोइंग है। अकेले इंस्टाग्राम पर उनके 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए से फोटो और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। टीना डाबी अपने बैच की टॉपर रही थीं। कई दिनों पहले जैसलमेर में पाक विस्थापित हिंदुओं के अतिक्रमण हटाने और उसके बाद टीना डाबी द्वारा उन्हें आशियाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इसके बाद टीना जब विस्थापितों से मिलने गई थीं तो वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने खुश होकर उन्हें बेटा होने का आशीर्वाद दिया था, जिस पर मुस्कुराते हुए टीना डाबी ने जवाब दिया था कि लड़के की जगह लड़की होगी तो भी चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे टीना डाबी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।